यहाँ पे ये बात करना ज़रूरी है कि टाइगर 3 कल जो मंडे है उसको लेके क्या मूवी बहुत ज़्यादा ही गिरेगी या नहीं। तो देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू अपडेट्स मूवी थोड़ा सा नीचे आ रही है। आई मीन लगभग 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ का ही इसके अर्ली एस्टिमेट्स के अनुसार देखने को मिल रहा है। तो ये कहाँ तक सही है, लेकिन क्या ये एक अच्छी कलेक्शन है। तो देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर ये मूवी कैसे भी 300 करोड़ को नेट कलेक्शन हिंदी तमिल तेलुगु भी कर लेती है ना, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा है। एक बोलते हैं ना कि 300 करोड़ जाना, आजकल 300 करोड़ जाना सुपरस्टार की मूवी, उसको गुड बुक्स में आना कहते हैं वैसे देखा जाए तो। और ये चांस है कि ये आराम से आ रही है। हाँ मतलब आगे चल के एनिमल और सैम बहादुर रिलीज़ होने के बाद भी ये उतना तो कर ही रही है, क्योंकि अगर ये आज का मैं ऐड करके कल का 2 से 3 करोड़ ऐड कर लूँ तो ये 278 करोड़ नेट कलेक्शन जा रही है और 455 करोड़ ये वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जा रही है। तो देयर इज़ हाई चांसेस कि अगर ये 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर लेती है, कम से कम 500 भी कर लेती है, थोड़ा बहुत आप हो जाएगा आराम से, इवन उससे भी ज़्यादा जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, अंदाज़ा दे रहा हूँ आपको। और भारत में ये 300 करोड़ प्लस जाती है तो ये एक सिक्योर मूवी रहेगी। मतलब जो लोग बोल रहे हैं भाई टाइगर 3 नहीं चली, ये हुआ वो हुआ, तो वॉर 2 का क्या होगा, भाई देखो सिंपल सी बात है, ये उतना भी जाती है तो यशराज फिल्म्स का एक टारगेट ही था कि भाई ये कैसे भी 300 करोड़ नेट कलेक्शन जाए और 500 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जाए, जो कि उनका टारगेट तो वैसे भी पूरा हो रहा है। भले 300 करोड़ पे मूवी बनी है, ये 300 सवा 300 करोड़ तक, एटलीस्ट 310 320 करोड़ भी अगर नेट कलेक्शन इसका हिंदी तमिल तेलुगु मिला के हो रहा है तो ये ऑटोमेटिक प्रॉफिट में तो जा रही है। भले कम प्रॉफिट है लेकिन वो फ्लॉप वाला नहीं है, हिट का टैग इसको है तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन स्पाई यूनिवर्स बच रहा है समहाउ, लेकिन अब स्पाई यूनिवर्स वालों को भाई बहुत संभल के रहना पड़ेगा, ये टाइप की स्टोरी, वो सलमान था इसलिए हो गया वो, बाकी कोई भी एक्टर होता स्पाई यूनिवर्स में लग जाती भाई फिल्म की ये स्टोरी के साथ। वो सलमान का स्टारडम था, मानो ना मानो, हेटर्स बर्नॉल लगा लो, वरना ये मूवी भाई दूसरा कोई भी एक्टर होता ना ये मूवी डिज़ास्टर जाती, फ्लॉप सेमी हिट वगैरह छोड़ दो, डिज़ास्टर बोल रहा हूँ मैं। तो ये तो क्रेडिट है भाई सलमान खान को, क्योंकि मनीष शर्मा के साथ भाई सलमान ने स्पाई यूनिवर्स से ही दूर रहना चाहिए, मैं सीधा बोल रहा हूँ। अब ये भाई बच गए पर बार बार नहीं बचता है भाई, पब्लिक आपको कितना बचाएगी, वो तो भाई थैंक्स बोलना चाहिए सलमान ने, जो कि ऑलरेडी बोला है उन्होंने अपने फैंस को, अच्छी भी बात है, बेहतरीन बच गए एंड इट्स अ हिट नो डाउट। अब आप जाके देख लो कहीं पे भी इसको टैग मिल रहा है वैसे भी, तो देखते हैं अब कहाँ तक जाती है। तो अभी अगर मैं 2.5 3 करोड़ भी ऐड कर लूँ तो 278 करोड़ होना चाहिए कल नेट कलेक्शन, उतना होना चाहिए। लेकिन टेक केयर गाइस।